colleagues, welcome back again to my channel SCM Digital Classes. तो मैं आज आपके लिए एक विशेष प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि नेशनल इनकम से संबंधित है और जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं. मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी बच्चे, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो नेशनल इनकम को लेकर के परेशान है, इसके एग्रीगेट्स को लेकर के परेशान है, स्पेशली मैं कहूंगा राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनको काफी दिक्कत आती है कि एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं. क्या नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ऐसा लगता है जैसे आपके लिए बड़ी मुसीबत बन गए, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत बन गए. ये मुसीबत नहीं है, ये सिंपल है. जस्ट नेशनल इनकम ऑन योर फिंगर टिप्स, सो यू डोंट वरी. मैं क्या कह रहा हूं, आप तो बस एक वर्ड लिखिए और मुझे बता दीजिए कि आपको करना क्या है. पहले तो आप देख लीजिए कि आपके टोटल इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स कितने रहते हैं. तो देखिए आप इधर देखिए, देखिए एक साइड में डीपी है, दूसरी साइड में एनपी है. कौन है? एनपी. डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट. देखा जाए तो नेशनल इनकम के केवल दो ही एग्रीगेट्स है. तो बोले तो क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, आपके दो ही एग्रीगेट्स. अब देखिए दो से ये आठ कैसे बनते हैं, ये आपको मैं बता देता हूं कि जी. क्या? जी. जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस डीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस एनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, ये कितने हो गए? दो ही हुए अभी तो, जीडीपी, जीएनपी. तो देखिए ग्रॉस के अलावा ये क्या होता है? नेट, एनडीपी और ये एनएनपी. क्या? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी. ओके, कितने हो गए ये? दो और दो चार. अगर मैं बात करता हूं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बोले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट मार्केट प्राइस. अब देखिए यहां खेल बिगड़ जाता है आपका कि ये कितने हो गए? दो. अब मैं इन सब के सामने ये दो और दो कितने हो गए? अगर मैं बात करूं ये दो, भाई यहां से हटाता हूं मैं इसको, आपको दिखा देता हूं. ऐसे देखिए आप, बोले तो जीडीपी एनपी. ओके, ये देखिए जीएनपी एनपी. ओके, और ये देखिए एनएनपी एमपी. ओके, दिख रहा है ना? एनडीपी एमपी कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार. ठीक, मैं अगर इसको यहां पर से हटा करके इसको कर दूं एनडीपी और इसको कर देते हैं अपन जीएनपी. जीएनपी देखिए आप, जीएनपी और ये एनएनपी. अब आप देखिए कितने हैं ये? चार. वैसे थे कितने? डीपी और मैंने अभी अभी आपको बताया डीपी और एनपी, और इसमें आपको लिखे भी दो ही दिखेंगे, डीपी एनपी. बाकी कॉमन है डीपी 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 एनपी एनपी, तो ये दोनों कॉमन है. लेकिन आप देखिए इसमें चेंज क्या है, जीडीपी एनपी एंड एनडीपी एनपी. ये ग्रॉस और नेट का चक्कर है यार, ग्रॉस और नेट का चक्कर है. और इधर किसका चक्कर है? इधर भी वही ग्रॉस और नेट का चक्कर है. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिकली देखा जाए तो. और अभी देखिए चार से आठ कैसे बनते हैं. आप देखिए एक, दो, तीन, चार. व्हाट इज दिस? आप देखिए, आप इन सब की जगह पर मार्केट प्राइस की जगह पर आप लिख दीजिए फैक्टर कॉस्ट. बोले तो जीडीपी एफसी, बोले तो एनडीपी एफसी, बोले तो जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी. व्हाट इज दिस? टोटल आठ एग्रीगेट्स. अब आठ में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपको जब मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूंगा तब. ओके,
आप देखिए किसी भी एग्रीगेट से आप किसी को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, सो आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख के जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। बने रहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए आपको बताया जाता है कि कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूं एक एक करके। एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जैसे कि GDP, नो GDP, जी अलग DP अलग प्लस मार्केट प्राइस, यानी कि तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। कितने कंपोनेंट हैं, तीन। मैं यहां वैसे ही लिख दे रहा हूं दिखाने के लिए, दिखावटी, GDP और MP। आप ऐसे करके नोट कर सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक। ये तीन कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो बोले तो क्या, एक ग्रॉस, ग्रॉस इक्वल टू क्या होता है, नेट प्लस DEP, नेट प्लस DEP। बोले तो नेट मतलब नेट, बोले तो विदाउट डेप्रिसिएशन, है ना। तो नेट में जब अपन डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वापस ग्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस अगर हम नेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेट, वेरी सिंपल। ये पहला कंपोनेंट है, तो या तो हम नेट से ग्रॉस निकालेंगे या ग्रॉस से नेट निकालेंगे। करना क्या है, केवल एक फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करेंगे। सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है इसका पहला कंपोनेंट ये जाएगा डेप्रिसिएशन के लिए, ओके। तो अगर आपको यहां नेट दे रखा है तो हम उसमें DP जोड़ देंगे, ग्रॉस आ जाएगा। अगर हमें ग्रॉस दे रखा है तो DP माइनस कर देंगे, नेट आ जाएगा। इतनी टेंशन किस बात की। दूसरा कंपोनेंट है आपका DP एंड NP। अगर हमें NP दे रखा है तो क्या करेंगे, DP दे रखा है तो क्या करेंगे, NP दे रखा है तो माइनस कर देंगे क्या, आउटसाइड इनकम। बोले तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे माइनस कर देंगे। और अगर हमें NP निकालना है नेशनल प्रोडक्ट, तो DP में हम प्लस कर देंगे NFIA, ओके। ये आउटसाइड इनकम इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो ये नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट क्या हो सकता है, आइदर DP और NP। इसके लिए करना क्या है, आइदर प्लस और माइनस NFIA, दोनों में से और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही घबराते हो, घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई इसमें। अभी तीसरा कंपोनेंट है MP, तो MP होगा या फिर FC होगा, है ना, दोनों में से एक होगा। अगर FC दे रखा है, MP कैलकुलेट करना है, ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर आपको FC निकालना है और MP दे रखा है, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्ट कॉस्ट के एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। थर्ड कंपोनेंट में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स NFIA कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको समझना आना चाहिए, आपको आपके पास ये क्रम से लिखा हुआ होना चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज आप रोते रहना, CBSE बोर्ड हो चाहे RBSE बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्या हो, आपको रोना ही पड़ जाएगा। ये नेशनल इनकम है, सबसे इजी, जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स अगर आप तरीके से इसको करोगे तो, ओके। सो लेट मी टेल यू द NIT, हाउ टू कैलकुलेट द NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी और मिलेज। तो ये IT मींस द इनडायरेक्ट टैक्स। मे बी क्वेश्चन में GST दिया हो सकता है, क्योंकि करंट स्टेटस में इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स बचे ही नहीं है, उन सब की जगह पर कॉमन टैक्स आ गया GST। तो GST माइनस सब्सिडी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। अगर IT बड़ा है, GST ज्यादा है, सब्सिडी छोटा है, तो डेफिनेटली इट्स पॉजिटिव। और सब्सिडी ज्यादा है, GST कम है, तो डेफिनेटली इट्स नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट करेंगे, या साइन का विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो ये NIT कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही आता है नेट फैक्टर,
इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, इस बात का ध्यान रखना है ना। कभी कभी क्वेश्चन में टू अब्रॉड लिख देते हैं, बोले क्या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो साइन का बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, सोच समझ के करिएगा सवाल को। तो देखिए इसका फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओके, क्या है ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आ गया आपका नेट। तो मैंने सिखा लिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे इंडियन रेजिडेंट्स की फॉरेन से इनकम कितनी है, फॉरेनर्स इंडियंस को कितना पे करते हैं, फॉरेन करेंसी के हम इंडिया वाले कितनी कमाई करके लाते हैं, इंडियन रेजिडेंट फॉरेन से, ओके। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड व्हाट इज दिस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इंडियन रेजिडेंट कितना पे करता है फॉरेनर्स को, गॉट इट, तो व्हाट इज दिस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जा रही है आउटसाइड, ओके, विदेश से जा रही है, विदेश से जा रही है, बट नेट कितना, हाँ जी, व्हाट इज दिस, दिस इज द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और द डिफरेंस इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, बोले नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरा बचा क्या, अपन ने अभी मार्केट प्राइस के लिए बताया था, मार्केट प्राइस के लिए क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट, तो नेट का कंसेप्ट बता दिया है मैंने, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू अनादर, ओके, हाउ टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू अनादर, ओके। तो देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट तो देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, अगर आपको एनपी कैलकुलेट करना है तो आपको जाएंगे डीपी प्लस एनएफआईए, ओके, अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं, और ऐसे ही आपको नेट नेट इनकम कैलकुलेट करना है तो करेंगे ग्रॉस माइनस डीपी, ग्रॉस माइनस डीपी, ये फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा, और ये आपका सेकंड कंपोनेंट रहेगा, और ये आपका थर्ड कंपोनेंट रहेगा, आप देखते जाइए इन तीन वर्ड्स का कमाल क्या, आप देखिए एफसी इक्वल टू क्या होता है एमपी माइनस नेट, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, केवल ये तीन वर्ड्स आपको सिखा देंगे कि हाउ टू कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू इनटू अनादर। सो लेट अस्सुम यू आर गिवन जीडीपी जीडीपी एमपी, ओके, मैं थोड़ा इसको दूर दूर लिखता हूं जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ओके, व्हाट इज दिस जीडीपी और एमपी, ये तीन, ये एक एग्रीगेट से रखा है जीडीपी, आप बता दीजिए इससे कौन सा एग्रीगेट बनाना है हमें, आप देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, उल्टा कन्वर्ट होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको कौन सा एग्रीगेट चाहिए यू कैन टेल मी, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं सबसे पहले आपको नेशनल इनकम की तरफ ले जा रहा हूं, क्या नेशनल इनकम बोले तो क्या एनएनपी एफसी, ओके, आप बताइए कि आप जीडीपी से नेशनल इनकम पर कैसे जाते हैं, हाउ वुड यू कन्वर्ट द जीडीपी, देखो ये कैसे जा रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है ये रिवर्स फ्लो, तो आप देखिए इसके कंपोनेंट देखिए गिवन क्या क्या है, हमें दे रखा है एक कंपोनेंट नंबर वन, कंपोनेंट नंबर दो, आप डीपी और एनपी व्हाटएवर जो भी दे रखा हो एक ही एक साथ पढ़े इसको, ठीक है, एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, डीपी डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये थर्ड कंपोनेंट है, तो अब आप इनकी मैच मेकिंग कीजिए, यह देखिए क्या दे रखा है नेट, यह क्या दे रखा है एनपी, और यह क्या दे रखा है, तीनों ही डिफरेंट है यार, कैसे करोगे,
सबसे टिपिकल आपके लिए बनेगा ये देखा जाए तो। तो फर्स्ट टू फर्स्ट सिलेंगे अपन, ये आप ग्रॉस दे रखा है, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेट इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर होगा माइनस डेप्रिसिएशन, क्या होगा माइनस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस माइनस डीपी, तो पहला कंपोनेंट्स बराबर हो गया, ये भी नेट वो भी नेट, क्योंकि ग्रॉस माइनस डेप क्या होता है नेट, तो दोनों इक्वल हो गए। ओके एंड एनपी डीपी या किधर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट या किधर का नेशनल प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपको यहां देखा एनपी बराबर डीपी प्लस सीधी सी बात है आउटसाइड इनकम, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे एन एफ आई ए, क्या ऐड कर देंगे एन एफ आई ए, नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके तो बचा थर्ड लास्ट कंपोनेंट, यहां देखा है एनपी या देखा है एफसी, हम इनको क्रॉस अप करेंगे, यहां हमने क्या किया प्लस एन एफ आई ए, और इधर क्या करेंगे देखो एफसी इक्वल टू क्या दे रखा है, एफसी इक्वल टू क्या दे रखा है एनपी माइनस नेट, ध्यान रखिए देख देखिए है ना, तो शुरू में जब अपन इस तरह से करेंगे तो आप ही मैं चलते चलते प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट हो जाएंगे और बड़े इजीली हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे एफसी में। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस नेट, ये लो आपका फॉर्मूला बनकर तैयार है, ये फॉर्मूला बनकर तैयार है, तो आप इसको क्या करेंगे एनएनपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एनपी माइनस डीपी ग्रॉस माइनस डीपी इक्वल टू नेट, ऐसे ही डीपी प्लस एन एफ आई ए इक्वल टू एनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे ही क्या है मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया नेट, यहां लिखा मैंने तो ये एफसी हो गया। तो देखिए ये चेक क्रॉस चेक हो गया, बराबर हो गया, मैंने इसलिए ऊपर तीन बातें लिखी थी। ठीक है अब आप मुझे अगला बताइए इधर से क्या करना है, इधर से क्या करना है, आप ऐसे ही अंदाज से बता दीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया एन और यहां पर लिख दिया मैंने डीपी और यहां पर लिख दिया एफसी, और अब आपको कैलकुलेट करना है जी एनपी और यहां पर निकालना है एनपी हो, अब क्या करेंगे बताइए फटाफट। देखिए यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, गिवन क्या है एनडीपीएफसी, ये आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम से कैसे निकालोगे चुटकियों में फटाफट, एक को चेक कीजिए एक यहां पर क्या है एक क्या है भैया ये ग्रॉस ये नहीं, तो ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करोगे ग्रॉस इक्वल टू एनईटी माइनस प्लस डेप, यहां प्लस कर देंगे डीपी, तो नेट नेट प्राइस में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा ग्रॉस, तो ये आ गया अपना ग्रॉस। ओके पहला कंपोनेंट खत्म, ये चेक हो गया। ओके नेट इक्वल टू और ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डीपी, दूसरा कंपोनेंट देखिए सेकंड कंपोनेंट, तो ये सेकंड कंपोनेंट डीपी एनपी, तो एनपी इक्वल टू क्या डीपी प्लस एन एफ आई ए, थोड़ी देर पहले बताया, तो यहां पर सेकंड कंपोनेंट में प्लस कर दीजिए एन एफ आई ए। ओके तो ये भी चेक, ये बराबर हो गया, बोले तो प्लस एन एफ आई ए, कहानी खत्म, ये बच गया अभी तो एनपी इक्वल टू एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, देखिए एफसी इक्वल टू एनपी माइनस नेट, तो एनपी एनपी इक्वल टू क्या होगा एफसी प्लस नेट, तो डेफिनेटली ये थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड में आप प्लस कर देंगे नेट, नेट प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका अगला फॉर्मूला, ये समय प्लस कर दिया यार, कोई वैसे माइनस ही नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो क्योंकि वो नेट दे रखा था, आप देख सकते ये देख सकते नेट से ग्रॉस पर गए, नेट से ग्रॉस तो क्या हुआ नेट प्लस डीपी आ गया ग्रॉस, वही एनपी निकालना था तो डीपी डीपी प्लस एन एफ आई ए क्या मिल गया ग्रॉस, देखिए ये ग्रॉस मिल गया और ये क्या मिल गया आपको एनपी मिल गया, और एफसी में प्लस कर दिया नेट, तो हमें क्या मिल गया एनपी, गॉट इट। देख लीजिए कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट थ्री, सो यू कैन डू दिस, हंस जाइए नो टेंशन। ओके नेक्स्ट इनकम को कहिए बाय बाय, ये हवा दिमाग से निकाल दीजिए, अगर कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके
अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी तरह का कोई एग्रीगेट हो और कोई डाउट हो, मेथड से कोई डाउट हो तो मेथड बताऊंगा, सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आऊंगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।